ओके तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि सबमिट बटन बनाने के कितने तरीके हैं, दो तरीके। सबमिट बटन बनाने के कौन से दो तरीके हैं? पहला तरीका, मैं बटन का टैग यूज कर सकता हूं, बटन का टैग यूज कर सकता हूं और टाइप क्या दूंगा, टाइप दूंगा सबमिट, टाइप दूंगा मैं सबमिट। और लेट्स से मैं यहां पे इसको कमेंट करता हूं और इसको अनकमेंट करता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं लेट्स से सबमिट। तो अब यहां पे अगर देखेंगे तो हमारे पेज में कोई चेंजेस नहीं आ रही, हमारे पास ये सबमिट का ही बटन है, हमारे पास ये सेम सबमिट का बटन है। पर अगर मुझे इस सबमिट के बटन को चेंज करके करना हो रजिस्टर, रजिस्टर नाउ कर दूं, तो अब यहां पे क्या टेक्स्ट आ रहा है ऊपर लिखा हुआ बटन के ऊपर, रजिस्टर नाउ। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मैं यहां पे रजिस्टर नाउ आ गया। ये हम लोगों के पास बेसिक, हम लोगों ने बटन का स्टफ जो हम लोगों ने देखा था ये वही है। पर अगर मैं इसको कमेंट करता हूं, लेट से मैं इसको कमेंट कर देता हूं और मैं इसको रखता हूं, तो अब यहां पे कहीं पे भी हमने लिखा कि सबमिट लिखो या रजिस्टर लिखो, हमने कहीं पे भी बताया इस इनपुट के टैग को कि सबमिट लिखो या रजिस्टर लिखो? ये मैं आपको बताता हूँ क्लास के एंड में, बताता हूँ क्लास के एंड में, बताता हूँ कि किस तरह मैं शॉर्ट इसको कमेंट करता हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने कहीं पे भी लिखा है कि मैं इसको इसके अंदर सबमिट लिखूं या रजिस्टर लिखूं? मैंने नहीं बताया कहीं पे भी। पर अब अगर मैं यहाँ पे जाके पेज चेक करता हूँ तो पेज पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट सबमिट लिखा हुआ आ रहा है, सबमिट लिखा हुआ, बाय डिफॉल्ट सबमिट लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? बाय डिफॉल्ट सबमिट लिखा हुआ आ रहा है। पर अगर मुझे यहाँ पे इस सबमिट को चेंज करके यहाँ पर लिखना हो रजिस्टर नाउ, अगर मुझे इस सबमिट को चेंज करके लिखना हो रजिस्टर नाउ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू का एट्रीब्यूट देके यहाँ पे लिख सकता हूँ रजिस्टर नाउ। अब अगर यहाँ पे चेक करोगे तो बटन के ऊपर क्या नाम आ रहा है? रजिस्टर नाउ। तो ये दो तरीके होते हैं, दोनों तरीकों से अगर आप लोग बटन का टैग दे रहे हो, अगर आप लोग बटन का टैग यूज कर रहे हो, तो आप इसके अंदर जो कुछ भी लिखोगे बटन के ऊपर वो लिखा हुआ आएगा, आप इसके अंदर जो कुछ भी लिखोगे बटन की हेडिंग वही आएगी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो अगर आप इनपुट के जरिए बटन बना रहे हो, अगर आप इनपुट के जरिए बटन बना रहे हो और अगर आप इनपुट के जरिए बटन बना रहे हो और टाइप सबमिट रख रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट जो लिखा हुआ आएगा, जो बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ आएगा बटन के ऊपर, बाय डिफॉल्ट बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा? बाय डिफॉल्ट सबमिट लिखा हुआ आएगा। पर अगर आपको वो सबमिट चेंज करना हो किसी और लफ्जों में, तो आपको वैल्यू का एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके तो अब हम लोग यहां तक आज की क्लास के लिए इतना काफी है। लेट्स चेक के हम लोगों के पास अगर मैं यहाँ पे एक्शन के टैग, अगर मैं यहाँ पे एक्शन का एट्रीब्यूट दे देता हूँ, लेट्स से ये मेरा फॉर्म का टैग है और यहाँ पे मैं एक्शन का एट्रीब्यूट देता हूँ और यहाँ पे कोई भी बैकएंड की फाइल लिख देता हूँ, लेट्स से साइन साइन अप डॉट पी एच पी, ये मेरे पास पी एच पी फॉर्मेट में बैकएंड की फाइल है। तो अब जब मैं यहां से जैसे ही इस बटन पे क्लिक करता हूं, तो यहां पे नोटिस करना, मेरे एड्रेस बार में नोटिस करना कि मेरा एड्रेस बार किस तरह से चेंज होता है। अब जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूं, तो नोटिस करना मेरा एड्रेस बार किस तरह से चेंज होता है। अब एड्रेस बार पे क्या आ गया यहां पर, ये कौन सा नाम है? ये वही नाम है जो मैंने एक्शन में दिया। क्लियर है? तो यहां से बटन दबते ही कंट्रोल कहां गया? तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर है? सबमिट का बटन दबते ही कंट्रोल कहां जाएगा? कंट्रोल बैकएंड पर जाएगा। बैकएंड पर कौन सी फाइल पर जाएगा? जो फाइल मैं एक्शन में डिफाइन करूंगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके, तो
तो अब कमल, आपने पूछा था, मैं यहाँ पे एक्शन के टैग से हटा देता हूँ, ये एक्शन का टैग हटा देता हूँ। अब आपने पूछा था कि मैं किस तरह से इन सबको शॉर्टकट वे में कमेंट करता हूँ, तो कमेंट करने के लिए मेरे पास क्या शॉर्टकट वे है? कंट्रोल, कंट्रोल और बैक स्लैश, कंट्रोल और बैक स्लैश, ये वाली बैक स्लैश जो आप लोग यहाँ पे देते हो, ये बैक स्लैश, CTR प्लस बैक स्लैश, CTR प्लस बैक स्लैश दूंगा मैं किसी भी लाइन पर रखकर, किसी भी लाइन पर खड़े होकर मैं अगर CTR बैक स्लैश दबाऊंगा तो वो लाइन कमेंट हो जाएगी। क्लियर है? मैं किसी भी लाइन पर खड़े होकर CTR बैक स्लैश दबाऊंगा, पहली दफा दबाऊंगा तो वो कमेंट हो जाएगी, और फिर उसी लाइन पर खड़े होकर जब मैं दोबारा CTR बैक स्लैश दबाऊंगा तो वो अनकमेंट हो जाएगी। क्लियर है?